सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर न्यूज चैनल में सर सैम फैक्ट। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एक न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में जो कि है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वैकेंसी है। एंड यहाँ पे राजीव गांधी भवन सफदरगंज न्यू दिल्ली, मतलब ये न्यू दिल्ली से वैकेंसी निकली है। एंड पोस्ट के नाम बात करते हैं तो यहाँ पे पोस्ट आप देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एजुकेटिव, मतलब जूनियर एजुकेटिव की आपकी यहाँ पे पोस्ट होने वाली है एज अ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में। तो देन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो 2/2022 है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट वीडियो में नोटिफिकेशन में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट करना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। तो देन सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें दे रखा है 400। ओके, मतलब 400 टोटल सीट यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर है। तो देख सकते हो टोटल सीट जो है 400 यहाँ पर है। एंड देन यहाँ पे पोस्ट का नाम मैंने बता दिया, जूनियर एजुकेटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो फुल टाइम बैचलर डिग्री इन ऑफ 3 ईयर्स इन BSc, मतलब आप यदि BSc किए हो तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। साथ ही आपका BSc में भी फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। देन यहाँ पे देख सकते हो, या फिर आपके पास ये नहीं है तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, या भी आप इंजीनियरिंग भी किए हो तब भी आप कर सकते हो, लेकिन आपका जो सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन है उसमें मैथ और फिजिक्स कंपलसरी है होना, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो देन यहाँ पे देख सकते हो, और साथ ही यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफेंसी इन बोथ स्पीकिंग स्पोकन एंड राइट इंग्लिश, एंड मतलब 10+2 स्टैंडर्ड का आपको यहाँ पे इंग्लिश बोलना और लिखना आना चाहिए। मतलब कोई भी फ्लुएंसी यहाँ पे नहीं मांगा है, बट आपके पास इंग्लिश जो है कंपलसरी है यहाँ पे बोलना, क्योंकि एज अ एयरपोर्ट का काम है, एयरपोर्ट का वर्क है, तो वहाँ पे इंग्लिश चलता ही है। चलिए ये हो गया। एंड बात करते हैं यहाँ पे डिग्री शुड बी, तो डिग्री मैंने बता दिया यहाँ पे 60% के साथ आप BSc पास होना चाहिए। यहाँ पे BE Tech एंड BSc वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट की, तो 14/7/2022 से यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। मैक्सिमम एज कैंडिडेट का 27th ईयर होना चाहिए, एंड मिनिमम 18 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करते हैं रिलैक्सेशन की, तो 10 ईयर्स छूट मिल जाएगा आपको PW कैंडिडेट के लिए, 5 ईयर्स इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC/ST को, एंड 3 ईयर्स रिलैक्सेशन मिल जाएगा OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को। इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, तो इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है 15 जून से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन, एंड लास्ट डेट जो आपका होने वाला है वो 14 जुलाई 2022 तक होने वाला है। मतलब टोटल आपके पास 1 फॉर्म फिलअप करने के लिए रहेगा। पे स्केल की बात करते हैं, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव 1, तो यहाँ पे 40,000 से लेके 1,40,000 तक की सैलरी आपकी होने वाली है। चलिए ये हो गया। एंड साथ ही आपको यहाँ पे अदर बेसिक पे हो गया, DNS अलाउंस हो जाएगा, पर्क्स 35% यहाँ पे बेसिक पे मिलेगा, HRA मिलेगा, एंड CPF ग्रेटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल स्कीम, मतलब काफ़ी सारी आपको AI रूल्स में जो इतनी भी आती है सभी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एंड CTC की पर एनम बात करते हैं, तो आपका 12 लाख तक जा सकता है, मतलब 1 ईयर 1 लाख मंथली सैलरी आपकी बन सकती है, वो आपके काम के ऊपर आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो देन फॉर्म फिलअप जो है आपका ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप नहीं है ये। एंड सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ देख सकते हो आप काफ़ी दिया हुआ है, इनफर्निंग वॉन्ट डिस्क्वालिफिकेशन इन फोर, एंड यहाँ पे आपसे ICAO का बारे में पूछेगा, मतलब जितने भी इंटरव्यू लिया जाएगा इंटरव्यू के ऊपर भी आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला, आपको नॉलेज होना चाहिए एयरपोर्ट्स का एंड एविएटर्स का, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, वही सब आपको वहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये हो गया। एंड हाउ टू अप्लाई भी दिया गया है, वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से विजिट कर लेना। फीस की भी बात कर लेते हैं, तो फीस कितना लग रहा है, तो 1000 फीस लग रहा है फॉर अदर कैंडिडेट, जैसे जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट, एंड SC/ST और फीमेल कैटेगरी से 81 रुपये ही चार्ज किया जा रहा है। तो आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था, तो बाय बाय एंड थैंक यू एंड जय हिंद।